जीतेंगे। राइट, ठीक है, होम ग्राउंड है तो प्यार थोड़ा सा अलग ही होगा। क्या लगता है लखनऊ, 20 ओवर का मैच है ये 2020 मैच बिटवीन द बॉलीवुड सेलिब्रिटी 11। उनका स्वागत करता हूं, यह अद्भुत मैच, मयंक बाबू एंड टीम, ऑल द स्पॉन्सर्स। और इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतना सुंदर स्टेडियम बना है और इतना अच्छा खेल रहा है उत्तर प्रदेश। सेलिब्रिटी 11 की टीम से यहाँ पर चौके और छक्कों की जो बरसात है। शॉट लेते समय गलती हो गई तो वहाँ फिर रीटेक होता है, दोबारा उसका शॉट लिया जाता है। लेकिन अब सेलिब्रिटीज को ये मालूम होगा कि वो जब खेलेंगे वहाँ रीशॉट नहीं होता है और उनको शॉट मारना है। और शॉट मारने के साथ यहाँ जो बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं वो स्क्रीन देखेंगे, लोगों को, प्रेक्षकों को बताएंगे कि किसने सिक्सर लगाई है, किसने बाउंड्री लगाई है, किसने कैच पकड़ने के बदले में छोड़ दिया है, ये सारा देखने के लिए मिलेगा। और बाद में स्क्रीन पर ये रिप्ले करेंगे और वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि खिलाड़ियों ने कैसा सिक्सर लगाया है, कैसा बाउंड्री लगाया है, कैसा चेक छोड़ दिया है। और इसलिए ये सेलिब्रिटीज़ के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये जानना बताना चाहता हूँ कि ये जो मैच हो रही है वो मनोरंजन के लिए तो है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं हेमवंती बहुगुणा जी, उनको समर्पित की जा रही है। इसमें से जो भी आर्थिक लाभ होगा वह लाभ जो रक्षा में शहीद हो जाते हैं इस प्रकार के सैनिकों के लिए है। मैं ऐसे मौके पर बहुगुणा जी को भी आदरांजलि अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार का काम मुख्यमंत्री होते हुए किया उसी प्रकार का काम अब यहाँ होगा। और देश की रक्षा के लिए जो शहीद बन जाते हैं ऐसे शहीदों को एक सम्मान देने की एक पद्धति यहाँ पर शुरू हो रही है। इसके लिए मैं सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि जब कारगिल की लड़ाई हुई थी और कारगिल की लड़ाई के समय पर मैं पेट्रोलियम मंत्री था, तो जितने शहीद उस समय पर हुए थे, 439 शहीद उस समय पर हुए थे, उनको पेट्रोलियम मंत्रालय के जरिए मैंने पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी थी। यही परंपरा आज मैं मानता हूं कि यहां भी देखने के लिए मिलेगी। जो भी उसका लाभ होगा वो शहीदों के लिए जाएगा। और ऐसे मैच देखने के लिए आप आए हैं, ऐसे समय पर लंबा भाषण करना अच्छा नहीं होता है ये मैं भी जानता हूँ। फिर एक दफ़े सभी प्रेक्षकों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैच जो है उस समय पर उसका रंग भर जाता है जब स्टेडियम में जोरदार ढंग से प्रेक्षक